कश्मीर घाटी का नाम आते ही हमारे दिमाग में घने जंगल, ट्यूलिप के खेत, पहाड़, भेद बर्फ का बड़ा सा हरा घास का मैदान आता है। लेकिन आपने कभी सोचा कश्मीर एक लंबे वक्त तक हिंसा और आतंकवाद के गिरफ्त में रहा। 1992 में कश्मीरी पंडितों ने साथ हुई घटना किसको याद नहीं होगी। कश्मीर के डेमोग्राफी में अगर बात की जाए तो घाटी 97% मुस्लिम आबादी है, जबकि सिर्फ 3% आबादी हिंदू और सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं। कश्मीर की मुस्लिम आबादी में 20-25% आबादी शिया मुसलमान की है। कश्मीर के सभी जिलों में शिया समुदाय की छोटी बड़ी मौजूदगी देखने को मिलती रही है, मगर मध्य कश्मीर, बड़गाम और श्रीनगर समेत बारामूला में शिया समुदाय की आबादी बाकी जिलों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि कुल मुस्लिम आबादी की 20-25% है, यानी कि 13-15 लाख। कश्मीर में शिया समुदाय के दो बड़े वर्ग मुफ्तियागी और मोहम्मदी हैं। अन्य दो वर्ग मौलवी साहबी और अब्बासी हैं। मुस्तफागी वर्ग में आगा सैयद मुस्तफ़ा, जबकि मोहम्मदी में आगा सैयद यूसुफ प्रमुख हैं। आगा सैयद मुस्तफ़ा के बेटे आगा सैयद मेहदी, जो कि आगा रहुल्ला के पिता थे, वो कांग्रेस से जुड़े थे। एक बम धमाके में उनकी मौत हो गई। इसके बाद तब मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल किया। आगा रहुल्ला के साथ वे सिंपैथी फैक्टर हमेशा चलता रहा। आगा सैयद मुस्तफ़ा के दूसरे बेटे आगा सैयद हसन हैं, जो कि काफ़ी समय तक अलगाववाद की राह पर चलते रहे। बड़गाम के साथ ही पूरे कश्मीर में उनकी पैठ है। अभी उनके बेटे सैयद मुंताजिर मेहदी चुनावी रण में उतरे हैं, जबकि पीडीपी ने उन्हें बड़गाम से प्रत्याशी बनाया है। आगा सैयद मुस्तफ़ा के तीसरे बेटे आगा सैयद मुस्तहीन एक धार्मिक व्यक्ति हैं, वो राजनीति से दूर रहते हैं, मगर समय समय पर आगा रहुल्ला की मदद के लिए सामने आते रहे हैं। आगा सैयद मुस्तफ़ा के एक अन्य बेटे आगा सैयद अहमद मुस्तफ़ा के हाल ही में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का ऐलान किया। दूसरा वर्ग जिसको मोहम्मदी कहा जाता है, उसके आगा सैयद यूसुफ प्रमुख माने जाते हैं। उनके बेटे आगा महमूद पहले राजनीति से जुड़े रहे, 2002 में वो चुनावी रण में भी थे। राजनीति गलियारों में अभी यहाँ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC आगा महमूद को फिर से टिकट दे सकती है, ताकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सीट जीतने की मदद करें जो उनके लिए आगा रहुल्ला करते आए हैं। मगर बात बड़गाम और बीरवा सीट पे प्रत्याशी को लेकर फंसी है, जबकि PDP ने सांसद रहे आगा रहुल्ला के चचेरे भाई आगा मुंतजीर मेहदी को टिकट देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की चिंता बढ़ा दी है। कश्मीर के शियाओं में अमूमन कानूनी विवादों के लिए सरकारी अदालतों के बजाय अब धार्मिक प्रमुख के पास जाने की प्रथाएँ। ऐसी शरियाई अदालतें यानी धार्मिक अदालतें इस्लामी सिद्धांत के अनुसार न्याय का निर्धारण करती हैं। आगा यूसुफ के समय में शरई अदालतों बहुत लोकप्रिय हुई करती थी। कई मौक़ों पर जिला अदालत ने मामलों को यूसुफ की अदालत में भेज दिया। महाराज गुलाब सिंह, प्रताप सिंह और हरी सिंह के शासनकाल में कश्मीर के संविधान में एक अनुच्छेद शामिल किया गया था। इसने इस आगा परिवार को एक अद्वितीय सम्मान प्रदान किया। लेख के मुताबिक अगर आगा परिवार से किसी को किसी मामले की गवाही देनी होती तो वह कोर्ट नहीं जाता था, बल्कि कोर्ट उसके घर आकर गवाही दर्ज करा लेता था। आगा परिवार के किसी भी व्यक्ति को अदालत में नहीं बुलाया जाना चाहिए था। ये कानून आगा सैयद यूसुफ के काल तक अस्तित्व में था, यानी कि 1982 तक। राजनीतिक पंडितों के अनुसार शिया समुदाय सैयद मुंतजी मेहंदी के विधानसभा चुनाव के लिए उसी तरह वोट करने की अपील कर सकता है जैसे हाल ही में लोकसभा चुनाव में हुआ। सभी आपसी दूरियों को मिटाकर आगा रहुल्ला को सांसद भेजने के लिए वोट की अपील की गई थी। ऐसा ही कुछ इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा महमूद जैसे नेता को टिकट देने पर विचार कर रही है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।